नई सुबह नई खबर का सबसे पहले बात करेंगे मेदांता गुड़गांव के सूत्रों के वाले से खबर यह है कि सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह की डायलिसिस भी की जा रही है। मुलायम सिंह यादव की हालत अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह की तबियत को लेकर अगले 24 घंटे अहम बताए जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का यूरिन संक्रमण काफी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर की समस्या भी काफी बढ़ गई है। दवाओं के असर को देखने के लिए अगले 24 घंटे डॉक्टर्स की ओर से काफी अहम बताए गए हैं। वैसे में मेडिकल बुलेटिन की हम बात कर रहे हैं तो कई इन्फेक्शन पाए गए हैं, लेकिन अभी भी 24 घंटे क्या कुछ देखने को मिलता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसीलिए 24 घंटे अहम रहेंगे और मेडिसिन देने के बाद क्या असर रहता है उसका। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, अस्पताल में पहुंचे अखिलेश यादव, पूरा परिवार उनका पहुंचा और उनकी हालत को लेकर जो है प्रधानमंत्री ने भी अखिलेश से बात की है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फोन पर बातचीत की है अखिलेश से। मुलायम सिंह यादव की तबियत को लेकर बातचीत की गई है फोन पर और अभी जो जानकारी है उसके अनुसार हालत अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो मेदांता में एडमिट है, आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तो वहीं पर देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह से मिलने के बाद जो है अखिलेश यादव और परिवार के बाकी सदस्य जो हैं अस्पताल से निकल गए। रात के वक्त समाजवादी पार्टी के नेता ने बताया कि नेताजी की हालत फिलहाल स्थिर है हुआ और जो ऑक्सीजन लेवल वो थोड़ा सा डाउन, बाकी ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। वो रूटीन चेकअप तो नेताजी का डेली होता ही होता है। परिवार के कौन कौन लोग आए थे? परिवार के सभी लोग मौजूद हैं, परिवार के सभी लोग मौजूद हैं और मिल मिल करके कुछ लोग निकलिंग से हैं। माना राष्ट्रपति जी अभी निकले हैं 10 मिनट पहले और अभी अंदर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं जो पूर्ण रूप से देख रेख में लगे हुए हैं और परिवार के और भी लोग हैं। डॉक्टर से बात हो गई, कहा कि निश्चिंत रहिए, आप ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो बाहर की जो अपमान को बंद कर दो।